तो आपकी राय में जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था? नहीं, वो अलग बात है, फिर आप डेमोक्रेटिक कैसे हैं? आप इलेक्शन कराते हैं? आपको सरदार पटेल को के, आपको अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने दो लोग उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हुए कि जिन्ना यदि प्रधानमंत्री बना दें तो वो विभाजन की बात नहीं होती, और यदि कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू को यदि प्रधानमंत्री बना देते हैं तो उसमें वो जो विवाद चला हो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी एक कंपल्शन थी कि वो छोड़ने के पहले अपनी बातें मनवाना चाहते थे। चलिए आप इस तरफ आए तो यहाँ भी आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जिन्ना कांग्रेसी थे जी, और जिन्ना कभी धर्मांध नहीं थे जी, वो कट्टर मुसलमान नहीं थे, वो तो कभी और नमाज भी नहीं पढ़ते थे जी जी जी। तो वो इन्होंने उसको जब दिखा, उसको लगा कि प्लेट में सजी हुआ एक देश मिल रहा है, उसने खुद जिन्ना लिखा है कि आई गॉट ए कंट्री ऑन ए टाइपराइटर। तो आप उसके पीछे पड़ के आपने उसको अलग कर दिया, क्या जरूरत थी? आप अपनी वर्किंग कमेटी बिठाते, उसमें कहते जी जिन्ना को आप वोट लीजिए। आपने लीग मुस्लिम लीग किसने बनाई और मुस्लिम लीग को वो देने की किसने दिए कंसेशंस? आपने तो दिए। अंग्रेज तो चाल चलते थे, कभी वो मुस्लिम्स को करते थे, कभी हिंदुओं को करते थे, तो आप उनकी चाल में क्यों आए? और फिर जब वो जब देश बन गया तो भी गांधी, जब वार हमारा उनसे युद्ध हो रहा था तो भी गांधी उनको पैसे देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे कि उनको पैसा दे दो। तो क्यों किया आपने साहब? उसी वक्त उसको भी दबा सकते, अगर वार ही हो गई तो हम उनको कब्जा भी कर सकते थे, उसी वक्त कर सकते। आपने नहीं किया कुछ भी उस समय। आपके पास कांग्रेस का ये कहना कि उनके पास संसाधन नहीं थे, उनका कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, पूरी संसाधन उनके पास कौन सी थी? उनके पास तो आपसे कमी थी। और आपने क्या किया? पॉपुलेशन डिवाइड करके पूरा हिस्सा उसको दे दिया और पॉपुलेशन अपने पास रख ली। तो आपने उनके साथ तो पक्षपाती किया। इतना ही नहीं है, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो किसी भी जो इनकी इकाइयाँ थी किसी ने नेहरू का नाम पर बोझ नहीं किया, सबने सरदार पटेल का किया। तो फिर नेहरू जी तब कैसे बन गए, अगर आप इतने डेमोक्रेट हैं तो? ये इतिहास की बात है। बहुत सारी परतें दर परतें खुलती चली जाती हैं। इस बार मीडिया में जो एक लोगों में बड़ा विश्वास जागा है, और यूँ कहना चाहिए कि मोदी की जो लहर है वो मीडिया पे सवार है, और क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ मीडिया की भी कोई अग्नि परीक्षा होने जा रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि सिर्फ मीडिया पर है। मोदी की लहर जो है वो संगठन और मीडिया दोनों है। ना तो संगठन मीडिया को अनदेखा कर सकता है और ना मीडिया संगठन को अनदेखा कर सकता है। इतना जैसे अगर लाखों वर्कर संघ का लग गया, या दूसरे शब्दों में मान लो हिंदुओं का भी लग गया, तो क्या मीडिया उसकी अनदेखी कर लेगा? और यदि मीडिया हाइप दे रहा है तो केजरीवाल को हाइप दे के बिठा दिया तो लोग उसके पीछे लग गए। तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड मीडिया की शिकायतें कि अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेड मीडिया के तरह काम कर रहा है, और वही एक क्लिपिंग वो भले किसी टीवी चैनल के लिए हो लेकिन उसको कई टीवी चैनल लगातार कई कई दिन तक दिखाते हैं। तो ये जो पेड न्यूज़ को लेके चुनाव आयोग ने एक बात कही थी, तो क्या चुनाव आयोग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या इस तरीके की पेड न्यूज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है? देखिए, पेड न्यूज़ पर तो चुनाव आयोग ने कहा ही है कि भाई नहीं होना चाहिए, पर सोशल मीडिया पे तो नहीं है। अभी अमेरिका नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पा रहा। सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है, घर घर में है। आप कैसे, जैसे आप कहते हो कि उग्रवादियों को कहाँ से रोक लें, घर घर में थोड़ी ना पुलिस बिठा देंगे, इसी तरह सोशल मीडिया की भी स्थिति है। पर मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। तो वो पेड मीडिया कैसे होता है मैं उसके बारे में बहुत जानकार नहीं हूँ, और उस पर टिप्पणी करने का अधिकारी भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे आपके अनुभव पिछले 45 सालों की सुनने के लिए मिले, और आगे भी ये चर्चाएं होती रहेंगी। धन्यवाद, मैं मनोहर पुरी जी का ईएमएस टीवी की ओर से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।